जुलाई 2020 को जब तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान साहब की कोशिशों से आया सोफिया जब म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील हो गई थी और फिर आया सोफिया मस्जिद में 86 सालों के बाद जुमे की नमाज अदा की गई थी, तो फिर उसके बाद आया सोफिया मस्जिद में मौजूद दीगर लोगों के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की वहां पर मौजूद थी और सारे के सारे लोगों की तवज्जो का वो मरकज बनी हुई थी, क्योंकि दोस्तों वो एक आम लड़की नहीं थी बल्कि वो खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की पोती निलहान सुल्तान थी। नेटवर्क फ्लाइट के नॉलेजेबल फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको निलहान सुल्तान की हालात जिंदगी और मौजूदा तुर्की में उनका दखल किया है और साथ ही साथ उनकी तोहिन करने वाले उस शख्स के बारे में भी बताएंगे कि वो शख्स कौन था जिसने निलहान सुल्तान के बारे में गलत बयानबाजी की। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों निलहान सुल्तान साल 1985 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुई थी। दोस्तों निलहान सुल्तान के वालिद ओरहान उस्मान है और इनके वालिद दमिश्क यानी सीरिया में पैदा हुए थे। निलहान सुल्तान के दादा हारून उस्मान लेबनान में पैदा हुए थे। दोस्तों जैसा कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले खानदान खिलाफत उस्मानिया के आखिरी चश्मो चिराग दोनदार अली उस्मान लगभग 90 साल की उम्र में हमारी इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। दोस्तों दोनदार अली उस्मान की वफात के बाद खानदान खिलाफत उस्मानिया की जो सरदार नस्ल में से जो अभी भी जिंदा है वो हारून उस्मान है, जो निलहान सुल्तान के दादा हैं महमूद अब्दुल करीम आफंदी, और उनके दादा महमूद सलीम आफंदी को जिला वतन करने के दौरान जब वो 1924 को फ्रांस गए थे, फिर जिला वतनी के बाद ये खानदान 1974 में ये अपने वतन वापस आए। जब उनको वापस भेजने के लिए फैसला सुनाया गया तो दोस्तों उस वक्त ये सल्तनत उस्मानी का खानदान दमिश्क में रहता था। खिलाफत उस्मानी के खानदान को उस वक्त इस्तांबुल में मुंतकिल किया गया था। दोस्तों इस सल्तनत उस्मानी के खानदान में हम जिस शहजादी का जिक्र आप लोगों से कर रहे हैं उनके दादा हारून उस्मान भी उस वक्त अपने वतन वापस आए थे। निलहान सुल्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के से फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। निलहान सुल्तान बेहद खूबसूरत और दिमागदार लड़की है। दोस्तों निलहान सुल्तान को देखकर हमें इस बात का पता चलता है कि उनका ताल्लुक अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया से है और उनका शजराई नसब खूबसूरत हलीमा सुल्तान और राबिया बाला खालतून जैसी हिम्मत वाली खातूनों से मिलता है। दोस्तों निलहान सुल्तान एंड्रॉयड एजुकेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इन्होंने अपनी फुप्पी और दादी कुलसुम सुल्तान के नाम से एक नावल भी लिखा था। दोस्तों निलहान सुल्तान अंग्रेजी और अरबी जुबान भी बहुत ही अच्छी तरीके से बोलती हैं और तुर्की जुबान तो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। दोस्तों निलहान सुल्तान एक शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है और उनका नाम मोहम्मद वहीदुद्दीन है। दोस्तों निलहान सुल्तान खिलाफत उस्मानिया में होने वाले सेमिनार में न सिर्फ खिलाफत उस्मानिया की नुमाइंदगी करती हैं बल्कि कई सारे ऐसे टीवी शो पर वो खिलाफत उस्मानिया का भरपूर दिफा भी करती हैं। दोस्तों निलहान सुल्तान सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वो अपने कई सारे फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो को भी शेयर करती रहती हैं। दोस्तों एक और बात जो आपको हैरान कर देगी कि निलहान सुल्तान के इस्लाम पसंद और सल्तनत उस्मानिया के हक में सरगर्मियों की वजह से तुर्की में भी जब उनके दुश्मनों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। दोस्तों हमारी एक रिसर्च के मुताबिक एक लाइव शो में तुर्की के एक शख्स ने निलहान सुल्तान को तौहीन भरी बातें कहीं जिसके खिलाफ निलहान सुल्तान ने अदालत में अपना एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और एक तुर्की अखबार के मुताबिक निलहान सुल्तान के बारे में तौहीन करने वाले शख्स के ऊपर जुर्माना भी भरना पड़ा है। दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया के दुश्मनों ने 1922 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा तो कर ही दिया था लेकिन आज भी सल्तनत उस्मानिया के लोग अलग अलग देशों में रहकर खिलाफत उस्मानिया की नुमाइंदगी करते रहते हैं और आज निलहान सुल्तान का नाम भी उन्हीं सरगर्म उस्मानियों में होता है फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारा इस यूट्यूब चैनल नेटवर्क फ्लाइट को जरूर सब्सक्राइब कर दें।